नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परमार, पाहुजा लॉ अकेडमी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन के पीछे। व्हाट इज कंगारू कोर्ट? यहाँ ऐसी कोई भी शब्दावली कहीं पर विधिवत तरीके से किसी कानून में उपयोग नहीं की गई है, लेकिन ये इसका शब्दावली को हमने कई बार सुना है। अधिकतर जब ये सुनने में आई शब्दावली, तो वो मैं आपको बताता हूँ, सन 2022 में जो तत्कालीन CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस NV रमन्ना साहब, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक कार्यक्रम के दौरान इस शब्द का उपयोग किया। और इस शब्द का उपयोग करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल मीडिया ट्रायल जो कर रही है वो एक कंगारू कोर्ट की भांति जजमेंट देने लग गई है हर एक मामले पर, हर एक मुद्दे पर, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए, एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। कंगारू कोर्ट फिर होता क्या है और क्यों CJI ने ऐसा वर्ड उपयोग किया था? कंगारू कोर्ट का मतलब होता है ऐसा न्यायालय या न्यायालय के समान कार्य करने वाली कोई भी संस्था जो किन्हीं भी न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं करती, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं करती, विधि द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन नहीं करती, एविडेंस एक्ट का पालन नहीं करती, और एक प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट में पूर्व से तैयार किया हुआ, पूर्व से बनाए गए माइंडसेट के अनुसार किसी भी व्यक्ति के बारे में निर्णय दे देती है, किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहरा देती है, तब ऐसा कहा जाता है कि ये जो फैसले हैं ये कंगारू कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें तो अभी पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी, वहाँ पर एक तृणमूल कांग्रेस के नेता ने एक महिला को पीटा, उसी प्रकार से आपने देखा हो कई सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं, खाप पंचायतें होती हैं, वो भी इसी दायरे में आती हैं, जो कि बिना किसी नैतिक मूल्यों का या बिना किसी विधिक कार्रवाइयों का, बिना किसी विधिक प्रोविजंस का पालन किए हुए जो जजमेंट सुनाती हैं, जो निर्णय सुनाती हैं, तब ऐसी संस्थाओं के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, तब इन सभी संस्थाओं को हम कहते हैं कि ये कंगारू कोर्ट की तरह कार्य कर रही हैं। सरल शब्दों में कोई भी ऐसा न्यायालय जो बिना विहित प्रक्रिया का पालन किए, प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट में पहले से माइंडसेट बनाकर जो जजमेंट देता है, तो उसे ही हम कंगारू कोर्ट के नाम से जानते हैं। थैंक यू सो मच।